नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 15.2 का एक क्वेश्चन 6 में एक अम्ब्रेला दिया हुआ है। दो डिफरेंट कलरों से मिलकर के ये अम्ब्रेला को बनाया है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 टुकड़े हैं, वो हमें फ्रंट साइड में दिखाई दे रहे हैं और 5 इसके बैक साइड में होंगे। इसमें अभीष्ट है छाते में लगे प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। तो एक पट्टी का क्षेत्रफल यदि ज्ञात हो जाएगा तो हम 5 का गुणा करने पर हमें 5 पट्टियों का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात हो जाएगा। ये तीनों भुजाओं की विमाएँ हमें ज्ञात हैं तो हम हेरोन के सूत्र का उपयोग करके एक पट्टी का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम मान लेंगे ए 20 सेंटीमीटर और बी 50 सेंटीमीटर और सी भी इसमें 50 सेंटीमीटर। इसकी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले एस, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इनका मान रख देंगे 60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होगा ये एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे तो एक पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। एक इनको हल कर देंगे अब इनके पेयर बन जाएंगे, तो एक पेयर ये बना, ये बना और ये बना। 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट में ही रहेंगे, तो यहाँ से ये 10 बाहर आएंगे, उसमें से ये 2 बाहर आएंगे, फिर इसमें से 10 बाहर आएंगे और अंडर रूट में 6 हो जाएंगे। इनका गुणा करेंगे तो ये 2 से अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक टुकड़े का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो यहाँ हम 5 टुकड़ों का एक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। 5 × 2 से अंडर रूट 6, तो ये हो जाएंगे 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। अंडर रूट 6 का यदि हम मान रख देंगे तो अंडर रूट 6 का मान 2.45 होगा। यहाँ 2.45, तो इनका हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2450 वर्ग सेंटीमीटर लगभग, ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है ये। इसमें दिया हुआ है 3 भिन्न साइडों से बनी एक कागज की पतंग है। तो इसमें जो ऊपरी भाग ये है ये वर्गाकार है और इनको 2 शेपों में बनाया गया है। तो एक साइड यानी एक भाग ये है और एक भाग ये है, और इसमें तीसरा भाग जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हमें प्रत्येक शैडो या प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात करने को बोला गया है। तो ये वर्गाकार जो ऊपरी भाग है और इसमें हमें ये 2 भाग दिए हुए हैं, तो इसमें हमें इस वर्ग के विकर्ण दिए हुए हैं। तो चूंकि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं और चूंकि विकर्ण एक दूसरे को केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं, तो हम इसे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके भी ऊपर का भाग ज्ञात कर सकते हैं और निचला भाग भी ज्ञात कर सकते हैं, जो बीच वाला दूसरा भाग।
तो ये दोनों भाग सेम क्षेत्रफल वाले हैं। तो यदि एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी वही होगा, या हम इसे वर्ग के जो विकर्ण दिए हुए हैं तो विकर्ण के सूत्र से भी इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है जब विकर्ण दिया होता है तो एक बटे दो पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, तो दोनों विकर्णों का गुणा। तो हम इसे दोनों तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ हम तीनों भुजाएं दी हैं तो यह तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग करके हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, या हम इसे हीरोन के सूत्र का उपयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं बी ई एफ का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए ए सी बराबर बी डी बराबर 32 सेंटीमीटर, ए ओ बराबर ओ सी बराबर बी ओ बराबर डी ओ, तो ये बराबर होंगे 32 बटे 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 32 है, इसी प्रकार से ए सी 32 है, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे दोनों विकर्ण ओ बिंदु पर, तो ये 16 सेंटीमीटर ये होगा, 16 ये होगा, तो 16 ये होगा, 16 ये होगा। तो अब हमें ये त्रिभुज यानी पहला भाग, तो पहले भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, आधार यानी आधार इसमें 32 होगा, आधार यानी कि ए सी इंटू ऊंचाई ओ डी, इनका मान रख देंगे, ए सी हमें 32 दिया हुआ है और ओ डी 16 दिया हुआ है। अब 2 से इनको हम डिवाइड कर देंगे, इसको करो या इसको, किसी को भी कर सकते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे 2 से 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब चूंकि पहला भाग और दूसरा भाग समान है तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल तो बराबर होगा पहले भाग के क्षेत्रफल के, तो ये दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी 2 से 56 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हमें ज्ञात करना है तीसरे भाग यानी समद्विबाहु त्रिभुज के आकार वाले भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ई एफ में। तो माना कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर मान लिया, तो इससे हम एस निकालेंगे यानी अर्धपरमाप इसकी ज्ञात करेंगे, तो एस यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये मान रख देंगे 6 + 6 + 8/2, तो ये 20 हो जाएंगे, वो बटे 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। अब इनको हम हीरोन के सूत्र में रख करके तीसरे भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज बी ई एफ का क्षेत्रफल, तो एस यानी 10 सेंटीमीटर इसमें आया, तो यहाँ 10 लिखेंगे वो, फिर 10 - 6 और 10 - 6 और 10 - 8, यानी ए बी सी तीनों भुजाएं हमने यहाँ पुट की। अब इनको हल कर देंगे तो इनका 10 × 4 × 4 × 2, तो यहाँ तो ये सेम पेयर हैं, तो यहाँ से इनका यदि गुणनखंड करेंगे तो हमें 1, 2 मिल जाएंगे, तो पेयर बन जाएगा यहाँ, तो 2 × 5 × 4 × 4 × 2, तो हमें एक पेयर ये 4 में से मिला और एक पेयर यहाँ मिलेगा हमें 2 से, तो ये 5 इसमें बचे तो इनका पेयर नहीं है,
तो ये रूट में ही रहेंगे अंडर रूट 5। अब ये हो गया 8 अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 का हम मान रख सकते हैं, तो इसका मान होगा 2.24। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे ये हमारे 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तीसरे भाग का क्षेत्रफल हुआ। तो अतः ये पहले भाग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी सेम होगा 256 वर्ग सेंटीमीटर और तीसरे भाग का क्षेत्रफल 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हुआ आंसर। प्रश्न 8 है ये। इसमें कहा गया है कि एक फर्श है जिसमें फूलों की डिजाइन टाइल्सों के द्वारा बनाई जानी है, तो टाइलों की संख्या इसमें 16 दी हुई है। तो जिस तरह से ये त्रिभुज बने हैं, तो यानी कि ये 1 और 2 ये त्रिभुजाकार जो टाइल्स है, तो इसमें 2 त्रिभुजों से मिलकर के ये बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमें ये 1, 2, 3, 4 और 16 तक त्रिभुज बने हुए हैं। तो हमने सुविधा की दृष्टि से एक त्रिभुजाकार आकृति को यहाँ ये अलग नाम दे दिया है OAB, और इसकी माप हमें प्रश्न में दी हुई है कि एक 9 सेंटीमीटर जिसे हमने AB कहा है और 28 सेंटीमीटर जिसे OA और 35 सेंटीमीटर जिसे हमने OB नाम दिया है। तो यदि एक टाइल्स का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाए, तो इस प्रकार की 16 टाइल्स इसमें लगाई गई हैं, तो हम 16 का गुणा कर देंगे यदि एक टाइल के क्षेत्रफल में, तो हमें 16 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। फिर इसमें कहा है कि यदि एक वर्ग मीटर पॉलिश कराने के 50 पैसे व्यय होते हैं, तो हमें ये टाइल्स जो 16 टाइल्स हैं, इनमें पूरी 16 टाइल्सों में पॉलिश कराने का कुल व्यय कितना होगा। तो कुल व्यय कितना होगा, इसके लिए हमें इन सब का 16 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। फिर एक वर्ग मीटर में 50 पैसे व्यय होते हैं, तो 16 टाइलों के जो क्षेत्रफल है उसमें कितना व्यय होगा, तो हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुजाकार टाइल OAB में माना कि A बराबर 9 सेंटीमीटर और B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 35 सेंटीमीटर। तो इससे हम S निकालेंगे, तो S बराबर हो जाएंगे A+B+C/2। तो यहाँ हम मान रख देंगे 9+28+35/2। इन सबको हम जोड़ देंगे, ये 72/2, तो 2 से इनको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ होंगे 36 सेंटीमीटर। अब हम हेरोन के सूत्र से एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो हेरोन के सूत्र में मान रख देंगे हम, तो यहाँ S यानी कि 36 से फिर S माइनस A होता है, तो 36 माइनस 9 करेंगे यहाँ, फिर S माइनस B, तो 36-28, S माइनस C 36-35 होंगे। इनको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मिलेंगे हमें 36 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर
यहाँ हम लिख सकते हैं 36 अंडर रूट 2.45 होता है इसका वर्गमूल अंडर रूट 6 का। इनको चाहो तो गुणा कर दो या हम बाद में भी कर सकते हैं। 88.20 वर्ग सेंटीमीटर ये हमें गुणा करने पर मिलेंगे। तो अब ऐसी 16 टाइल्स हमें दी गई हैं, तो ये एक टाइल्स का क्षेत्रफल हुआ, तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है अभी। तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 16 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ 16 के साथ में इनका गुणा कर देंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल ये 88.2 आया, तो इनका गुणा करेंगे तो ये हमें देंगे 1411.2, या यहाँ 0 लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अब इनका निकालना है हमें पॉलिश कराने का कुल व्यय, दर गुणा क्षेत्रफल। तो दर हमें कितना दिया हुआ है, 50 पैसे, तो इनको हम 0.5 लिख सकते हैं, शून्य को हटा सकते हैं, और इनटू होगा क्षेत्रफल यानी 14.11.2। तो 0.5 का 1411.2 में गुणा करेंगे तो 0.5 यानी कि ये 50 पैसे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, रुपए होता तो ये 0.5 नहीं होता। तो इनका हम गुणा करेंगे तो ये हमें संपूर्ण व्यय इसका निकल के आ जाएगा। तो ये 705.50 रुपए ये हमें प्राप्त होंगे। तो अतः अभीष्ट व्यय 705.50 आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 है ये, प्रश्नावली 12.2 का ये अंतिम सवाल है, और इसमें दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत और इसकी समांतर भुजाएं CD और AB, इनकी मापें क्रमशः 10 मीटर और 25 मीटर हमें दी गई हैं, और जो असमांतर भुजाएं हैं यानी AD और BC ये हमें 13 मीटर और 14 मीटर दी गई है। तो हमें इस आकृति यानी ABCD का एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यदि ज्ञात करना होता है तो उसका सीधा सूत्र होता है कि 1/2 इंटू ऊंचाई। यदि हमें ऊंचाई ज्ञात हो जाए तो हम ऊंचाई का गुणा कर देंगे और ये समांतर भुजाओं को जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो हमें ये समलंब का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ऊंचाई h मानेंगे, यानी ये CF को हम h मान लेंगे और हम ऊंचाई इसकी ज्ञात कर लेंगे, फिर हम सूत्र में रख देंगे तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये CE और B में ऊंचाई पहले ज्ञात करनी होगी, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में AB समांतर CD और हम AD के समांतर CE एक रेखा खींचेंगे, जिससे समांतर चतुर्भुज AECD प्राप्त किया, तब AD बराबर EC हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तो अब हम AB पर CF लंब खींचते हैं, जहाँ CF बराबर H माना। तो अब यहाँ हम आकृति में देखेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज हमने ये रचना करके बनाया, तो यहाँ ये भुजा समान होगी और ये CD समान होगी AE के।
तो ये 10 मीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर होगी। और यहाँ हमें ए और बी 25 मीटर पहले से दिया हुआ है। अब हमें बी और ई इतनी भुजा की आवश्यकता है, क्योंकि ये त्रिभुज में हम हीरोन का सूत्र प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये भुजा हमें मालूम हो गई, तो ये भुजा हमें ज्ञात करना है। तो ए से बी तक हमें ये 25 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ ये 10 मीटर हुआ, तो 25 में से 10 जाएंगे, तो यहाँ हमें 15 मीटर प्राप्त हो जाएगी। चूंकि बी ई बराबर ए बी माइनस ए ई होंगे, ए बी 25 मीटर दिए हुए हैं और ए ई 10 मीटर दिए हुए हैं, तो बी ई हो जाएंगे 15 मीटर। अब हम त्रिभुज बी सी ई में चलेंगे, तो एस बराबर निकाल लेंगे इससे, 13, 14, 15 अपॉन 2। तो ये 42/2 होंगे और ये 21 हो जाएंगे मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, तो हीरोन के सूत्र से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम छोटे छोटे गुणनखंड करेंगे, तो अब जिनके पेयर बनेंगे तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, और जिनके पेयर नहीं बनेंगे वो अंडर रूट में रहेंगे। तो यहाँ 3 और 3 ये हमें पेयर मिला, तो ये बाहर आ गया। 7, 7 तो ये भी बाहर आए, और ये 2 का एक मिला, 2 बाहर आए, और फिर ये 2 का मिला, तो ये बाहर आ गए। तो इस तरह से इनका ये वर्गमूल हुआ। तो इनका हम गुणा करेंगे, तो ये हुए 84 वर्ग मीटर। अब हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे इससे, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार और गुणा ऊंचाई होता है। तो अब क्षेत्रफल हमें ये 84 मिला यहाँ, तो हम यहाँ इस 84 लिखेंगे बराबर 1/2 × आधार, इसमें 15 दिया हुआ है और ऊंचाई h हमें मालूम नहीं है। तो अब हम h यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो 2 ये 84 × 2 का गुणा हो जाएगा, और ये अपॉन में 15 आएंगे, तो बराबर हो जाएगी h। ये h बराबर होंगे 168/15, तो h बराबर इनका भाग देंगे 11.2 मीटर प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें ऊंचाई प्राप्त हो गई, तो हम समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे सूत्र का प्रयोग करके। तो हमें h बराबर 11.2 मीटर प्राप्त हुए, और समांतर भुजाओं का योग हमें करना पड़ेगा, तो समांतर भुजाएं CD बराबर दिया हुआ है 10 मीटर और AB बराबर दिया हुआ है 25 मीटर। तो अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 × ऊंचाई यानी 11.2 × समांतर भुजाओं का योग यानी कि 10+25। इनको हम यहाँ भाग दे सकते हैं, 5.6 बार जाएगा, इनको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ होंगे 35, और इनका हम गुणा कर देंगे जैसे, तो यहाँ हमें मिलेंगे 196 वर्ग मीटर। तो ये होगा आंसर। इस प्रकार से हमने 12.2 के सभी प्रश्नों का हल किया, और आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है अवश्य करें, और अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।